नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। माँ बनना हर महिला का सपना होता है, लेकिन उसे गर्भावस्था के दौरान अपना और आने वाले बच्चे का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे ही गर्भवती महिलाओं के पोषण का ख्याल बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा रखा जाता है, जिसका नज़ारा बुधवार को जनपद के भावरकोट ब्लॉक में आयोजित किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां पर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं 7 माह के बच्चे का अन्नप्राशन कार्यक्रम मोहम्मदाबाद की विधायक अलका राय के द्वारा किया गया। इस गोद भराई कार्यक्रम के दौरान खोइछा में देने वाले सामानों में केला और मूली भी दिया गया, लेकिन विधायक ने भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए केला और मूली को उसमें से निकाल दिया, क्योंकि गर्भवती माताओं के खोइछा में यह सामान नहीं दिया जाता। इस दौरान विधायक ने मंच से बोलते हुए कहा कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की यह बहुत ही नेक कार्यक्रम है, जिससे बहुत सारी गरीब गर्भवती माताओं को उनके पोषण का ध्यान रखा जाता है। पिछले साल भी ऐसी ही कई महिलाओं का उन्होंने गोद भराई का कार्यक्रम किया था। इस दौरान भावरकोट ब्लॉक की मुख्य सेविका वंदना गुप्ता ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं के द्वारा पोषण मिशन योजना के तहत खास ख्याल रखा जाता है, जिसके मद्देनजर बिंदु पत्नी अजय निवासी सुखदेहरा, सीमा पत्नी राम मूरत निवासी सुखदेहरा का गोद भराई कार्यक्रम विधायक अलका राय के द्वारा किया गया। इस दौरान अंशु उम्र 7 माह का बच्चा, जो 6 माह तक सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर रहा और अब 7वां माह शुरू होने पर उसे ठोस आहार की जरूरत होती है, जिसके लिए उसका अन्नप्राशन कार्यक्रम भी विधायक के हाथों ये हमारे विभाग के सभी जो भी कार्य यहाँ किए जाते हैं उसका लोगों तक पहुँचे, लोगों में जागरूकता हो और वो भी हमारे विभाग को जाने, हमारे विभाग के कार्यों को जाने, समझें और इसका लाभ लें। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए अपना, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम भी किया। प्रोग्राम में जैसे गोद भराई होता है, तो गोद भराई में एक जो है, जब कोई भी स्त्री माँ बनती है तो उसके लिए क्या क्या देखभाल परिवार वाले करते हैं, उसके आने वाले बच्चे के लिए जो है क्या क्या जानकारी दी जानी चाहिए, इसको हम लोग जो है अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताएं। इसके साथ ही जो एक अन्नप्राशन कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में जैसे बच्चा 6 माह पूर्ण कर लेता है, जब वो 6 माह तक केवल माँ का दूध पीता है, उसके बाद जब 7वें माह में प्रवेश करता है तो उसको हम लोग अर्ध ठोस आहार के रूप में जो है कुछ खिलाना प्रारंभ करते हैं, उस रस्म को हम अन्नप्राशन बोलते हैं। और उसका हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया और लोगों को बताया कि अब जो है बच्चों को देखा कि आपके कार्यक्रम में विधायक जी ने भी सहयोग किया। हाँ, क्या लगता कि विभाग का उत्साहवर्धन होगा? हाँ, बहुत माननीय विधायक जी ने अपने हाथों से जो है हमारे गांव की आई महिला को और उसके बच्चे को जो है अपने हाथ से जो अन्नप्राशन कराया और गोद भराई किया, जो हम लोगों के लिए बहुत ही जो है मतलब अच्छा लगा और उत्साहवर्धन।